सभी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को हार्दिक शुभकामनाएं देता हुआ आज अपन पढ़ते हैं। मैं आपके लिए स्पेशल लेके आया हूँ पेपर थर्ड, है ना। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड जिसका नाम है भारतीय समाज और शिक्षा। भारतीय समाज और शिक्षा उसकी यूनिट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भारतीय समाज में विविधता, असमानता और भेदभाव के बारे में। ये अपने यूनिट फर्स्ट है। आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, पिछला दूसरा पेपर। और अब मैंने जो वीडियो बनाया है शायद आपको याद होगा, काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं, बहुत सहायता मिली है आपको। अब अपन यूनिट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं तीसरे पेपर की। वीडियो को लास्ट तक देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि अपन वापस सेकेंड ईयर में भी जुड़े रहें। इसकी फोटो ले लीजिएगा। ये अपना पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। भारतीय समाज की विविधता के दो स्वरूप लिखो। पहला क्वेश्चन, विविधता, भारतीय समाज में विविधता है ना, डाइवर्सिटी है, विविधता है, कौन कौन सी है भाई, दो स्वरूप बताएं। तो भारतीय समाज में भाषा की विभिन्नता है, भाषा की भिन्नता है, भारतीय समाज में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। दूसरा, भारत में अनेक धर्मावलंबी हैं, नोट कर लेना आप। जैसे और भी विशेषताएं हैं, और भी विविधताएं हैं भारतीय समाज की, लेकिन दो यदि पूछिए तो भाषा है, धर्मावलंबी बहुत से भारत में निवास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय समाज में सामाजिक व्यवस्था कैसी है ना। सामाजिक व्यवस्था है भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक, शोषण किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा इसको। शोषण किसे कहते हैं, वैसे नाम से स्पष्ट है, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा शोषण, है ना, ये भाई यहाँ इस व्यक्ति का शोषण हो रहा है वो शोषण। तो इसको परिभाषित करेंगे, जहां एक व्यक्ति या समूह, जहां पर एक व्यक्ति का या किसी समूह का जिसके श्रम या संसाधन को, किसी व्यक्ति का श्रम या किसी समूह के श्रम को, मेहनत को, संसाधन को कोई अन्य व्यक्ति या कोई समूह बिना उचित भुगतान के, इसको अंडरलाइन करो, बिना पैसे दिए, बिना उचित भुगतान है ना, कि वे जितना पैसा बनता है उतना देना, उचित भुगतान, बिना उचित भुगतान किए उससे क्या करता है, वो उसका श्रम ले लेता है, मेहनत ले लेता है, और उसको उचित भुगतान नहीं देता है, उसको शोषण कहते हैं। इंपॉर्टेंट है? इस पे आप और अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे बेगार प्रथा भी एक तरह से इसी का स्वरूप है, बेगार जो प्रथा है वो भी इसी का स्वरूप मानी गई है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट, इसको लगा दीजिए मोस्ट। ये क्वेश्चन आना लगभग तय है, क्योंकि सबसे अच्छा जो टॉपिक है पूरे इस यूनिट फर्स्ट में वो ये है कि भारतीय समाज में विविधता में एकता है, स्पष्ट करो, वर्णन करो किस प्रकार से है। सारे क्वेश्चंस का उत्तर अपन इस पे पढ़ेंगे। इसका देखो, भारतीय समाज में विविधता में एकता, इसके बारे में, भारतीय समाज में विभिन्नता कई क्षेत्रों में देखने को मिलती है, बहुत से क्षेत्रों में विभिन्नता है। भारतीय एक ऐसा देश है विश्व का जहाँ विभिन्नता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी है भारत, कितनी विविधता होते हुए भी भारत एक है। देश का अपन देख सकते हैं, देश का पूर्व का क्षेत्र पहाड़ से घिरा हुआ है, तो दक्षिण का क्षेत्र समुद्र से स्थित है, और सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में अनेक विभिन्नताएं भारत देश में मिलती है, भारतीय समाज में मिलती है। पहला क्वेश्चन, पहला इसमें अपन करेंगे तो भौतिक स्थलाकृति की, इस पर विचार करते हैं, भौतिक भौगोलिक स्थलाकृति। तो भारत में कई तरह के भूगोल है, उत्तर में हिमालय ठंडा प्रदेश है, उत्तर में हिमालय ठंडा प्रदेश है, दक्षिण भारत गर्म है, रेगिस्तान है, गंगा सिंधु का मैदान है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, और ये भारत में विंध्याचल पर्वत है जो दो भागों को विभाजित करता है। इस तरह से हम देखें तो भारत में भौगोलिक स्थलाकृति की विभिन्नताएं पाई जाती है, विविधताएं पाई जाती है। दूसरा इसमें, भाषा और बोलियों की विविधता, भाषा और बोलियों की विविधता। भारत में बहुत सी बोलियां और भाषाएं बोली जाती है, जिसमें पंजाबी, सिंधी, हिंदी, गुजराती, उड़िया, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का
प्रयोग किया जाता है, बोला जाता है, उपयोग किया जाता है भाषा के आधार पर, तो कई राज्यों का भी गठन हुआ है, यानी कि काफी भाषा और बोली प्रचलित है भारत देश में। अगला क्वेश्चन, अगला जो आता टॉपिक है ना, भारत में विविधता में एकता में धर्म की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं। आप इसको खूब लिख सकते हैं, है? पूरा पेज भर सकते हैं, भारत में कितने धर्म धर्मावलंबी धर्म हैं, इस देश में हिंदू बौद्ध सिख सिंध है ना जैन सिख धर्म आदिवासी इस तरह के काफी लोग रहते हैं, अन्य धर्मावलंबी भी रहते हैं जैसे पारसी यहूदी है बाहर से आके ये लोग रहने लग गए, और भारत ऐसा सहिष्णु देश है कि इसमें सारे धर्म संप्रदाय के लोगों को समानता से व्यवहार किया जाता है। हिंदू धर्म के भी तीन संप्रदाय हैं जिसमें शैव शिव को मानने वाले ना विष्णु को मानने वाले शैव वैष्णव और शाक्त, इन तीनों में प्रजातियों की तरफ से विविधता देखते हैं। ऐसे भारत में आकृति मूलक ऑस्ट्रेलिया आदि काफी प्रजातियां भारत में पाई जाती है। भारत में मध्य भारत के प्रोटो ऑस्ट्रेलिया आदि की प्रधानता भी अपने को देखने को मिलती है। अब आती जातियां, कास्ट, कास्ट भी आप खूब लिख सकते हैं इसमें। भारत में अनेक जातियों के लोग निवास करते हैं, भारत में लगभग 4635 जातियां हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र में देखते हैं तो उसमें विविधता है, भारत में लगभग 91 सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। इसमें एक क्षेत्र के लोगों की भाषा संस्कृति भोजन की आदतें लोक साहित्य के स्वरूप काफी भिन्न देखे जाते हैं, है ना, हमारा अस्तित्व ही भिन्नता पर है, हम हर क्षेत्र में सहिष्णु हैं, नोट कर लेना सहिष्णु है भारत देश, हम सभी को अपना लेते हैं, है ना, अनेकता में एकता, लास्ट में टॉपिक लिख देना भाई, सारी अनेकताएं होती हुए भी हम भिन्न भिन्न अनेकताओं के बावजूद भी हम सब यूनिटी में रहते हैं, सब एक है। भारत देश पर जब संकट आता है तो सब धर्म जातियां संप्रदाय संस्कृति क्षेत्र प्रजातियां सब एक है ना, इन सभी के बावजूद भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, यही है भारतीय समाज की विविधता में एकता, सार के रूप में लिख देना। ये प्रश्न छपना तय है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, क्यों, क्योंकि इस पूरी यूनिट में सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये है। आगे देखो, सामाजिक बहिष्कार से क्या मतलब है, है ना, सामाजिक बहिष्कार नाम से स्पष्ट है, समाज से जिसका बहिष्कार कर दिया जाता है सामाजिक बहिष्कार कहलाता है। किसी व्यक्ति का किसी समूह को समाज में पूरी तरह से घुलने मिलने से रोक दिया जाता है ना, वह अलग रखा जाता है, सामाजिक बहिष्कार कहलाता है, और यह अनैच्छिक होता है, सामाजिक बहिष्कार अनैच्छिक होता है। छठा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना आप, है ना, मैक्स वेबर का सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत, सामाजिक समाज का स्तर, है ना, स्तरीकरण का मतलब स्तर, सामाजिक स्तरीकरण का मैक्स वेबर का सिद्धांत। समाज शास्त्र के संस्थापकों के रूप में मैक्स वेबर का नाम आता है। समाज शास्त्र के जो संस्थापक हैं उनमें से मुख्य संस्थापकों में मैक्स वेबर का नाम आता है। वेबर ने बताया कि वर्ग ही समाज में स्त्रीकरण का बुनियादी रूप है, वर्ग, है ना, वर्ग विशेष। अब इसने टॉपिक लगा के समझाया है वेबर ने कि वर्ग और जीवन के अवसर कैसे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना बहुत ही अच्छी ढंग से लिख लिख के लिख लेना इस मैक्स वेबर के सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत को। आप एक श्रमिक परिवार में, एक श्रमिक परिवार में, है ना, श्रमिक परिवार में समझना, जन्म लेने वाला व्यक्ति, एक श्रमिक परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति को एक खास किस्म की शिक्षा मिलती है, और एक उसे विशिष्ट कार्य करने के लिए, और वो जो खास शिक्षा मिलती है वो क्या होता है, विशिष्ट कार्य करने की उसके लिए उसको सक्षम बनाती है। जैसे एक गाडोलिया लोहार परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको क्या होता है, एक खास किस्म की शिक्षा मिलती है और वो हार्ड वर्क करने लग जाता है, लेकिन वह शिक्षा इतनी महंगी नहीं होती, उनकी शिक्षा जो होती है ना वो महंगी नहीं होती है जितनी कि उच्च वर्गीय परिवार को मिलती है, जो हाई क्लास फैमिलीज हैं उनके बच्चे को तो शिक्षा
काफी महंगी मिलती है, इसलिए रोजगार के अवसर, मैक्स वेबर ने बताया कि इसलिए रोजगार के अवसर दोनों के लिए एक दूसरे से अलग अलग ही होंगे। इस प्रकार वेबर के अनुसार जीवन अवसर वर्ग निर्माण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, समझ लेना। वेबर महोदय ने बताया कि जीवन अवसर वर्ग निर्माण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक श्रमिक का बेटा श्रमिक ही बनता है क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि के अनुसार यही उसके लिए उपयुक्त विकल्प है, कुछ अपवाद को छोड़कर। श्रमिक का बेटा श्रमिक ही बनता है क्योंकि उसके लिए सबसे विकल्प यही है, क्योंकि उसका परिवार गरीब है। वेबर ने पूंजीवादी समाज को चार भागों में बांटा है, इंपोर्टेंट कर लेना। वेरी ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि भाई पूंजीवादी समाज को कितने वर्गों में बांटा, चार वर्गों में कौन कौन से हैं। उच्च वर्ग सफेदपोश श्रमिक, लघु संपत्ति वाले, शारीरिक श्रमिक वर्ग। उच्च वर्ग में कौन कौन शामिल है? इसमें वे लोग आते हैं जिनके स्वामित्व में उत्पादक और संपत्ति है, उत्पादक और संपत्ति के मालिक लोग, जिसको पूंजीवादी कहते हैं। पूंजीवादी लोग किसमें आते हैं? उच्च वर्ग में। सफेदपोश श्रमिक, इसमें बौद्धिक श्रम करने वाले लोग शामिल हैं। बौद्धिक श्रम नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। इसमें बुद्धि से जो काम करते हैं सफेदपोश श्रमिक है वो। इसमें प्रबंधक है, एडमिनिस्ट्रेटर है ना, और प्रशासक है। लघु संपत्ति वाले लोग, इसमें स्वरोजगार में लगे लोग ही पाए जाते हैं, जो अपना रोजगार करते हैं, जैसे दुकानदार हैं, वकील हैं। शारीरिक श्रम श्रमिक वर्ग, नाम से स्पष्ट है, शरीर से जो श्रम करता है, मेहनत करता है, वो वर्ग। इसमें वेतन के बदले अपना शारीरिक श्रम करने वाले लोग इसमें शामिल किए जाते हैं, दैनिक वेतन भोगी लोग इसमें शामिल किए जाते हैं। सातों क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्ल मार्क्स का सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत, एक तो सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत था, स्तरीकरण का, सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत मैक्स वेबर का था, एक कार्ल मार्क्स का है। सामाजिक स्तरीकरण, मनुष्य में अपनी आजीविका के साधन उत्पन्न करने की क्षमता होती है। मानव में क्या होता है? अपनी आजीविका के साधन को उत्पन्न करने की कैपेसिटी होती है। इनकी एक पुस्तक थी, नोट कर लेना, जर्मन आइडियोलॉजी। उसमें बताया कि मनुष्य जैसे ही अपने जीवन निर्वाह के साधन उत्पन्न करने लगता है, जीवन निर्वाह के वास्तविक साधन उत्पन्न करके परोक्ष रूप से अपना वास्तविक भौतिक जीवन का सृजन करता है जीवन निर्वाह के लिए। अब इसने बताया कि श्रम विभाजन क्या होता है। टेक्नोलॉजी के विकास के जरिए मानव ने कृषि को उन्नत किया, खेती को डेवलप किया। पहले खेती ज्यादा लोग करते थे, उत्पादन कम होता था। फिर क्या हुआ? कुछ लोगों ने भोजन उत्पन्न करना शुरू कर दिया, यानी कि उत्पादन होने, खाद्यान्न उत्पन्न होने लग गया, तो सभी का भरण पोषण होने लग गया, पर्याप्त होने लग गया। परिणाम स्वरूप अन्य लोग क्या करने लगे? दूसरी गतिविधियों में शामिल हो गए, दूसरी गतिविधियां करने लगे। इससे क्या हो गया? श्रम का विभाजन हो गया, है ना, श्रम का विभाजन हो गया। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, श्रम का विभाजन हो गया। इसको कहते हैं श्रम का विभाजन, है ना। दूसरा आता है वर्ग और स्तरीकरण। मार्क्स ने दो स्तरों के लिए वर्ग शब्द का इस्तेमाल किया है, एक वर्ग शासित वर्ग, नोट कर लेना। दो वर्ग बताए हैं कार्ल मार्क्स ने, एक तो शासित वर्ग, दूसरा शासक वर्ग, शासक और शासित वर्ग। जो कार्ल मार्क्स था, इसने कितने वर्ग बताए? दो वर्ग। कौन कौन से? एक तो शासित वर्ग, एक शासक वर्ग। अब देखो शासित वर्ग क्या है भाई? शासित ना, जिस पर शासन किया जाता है, वह वर्ग जो उस साधन के साथ काम करके उत्पादन करता है, यानी कि काम करता है, मजदूरी करता है। दोनों वर्गों के बीच के रिश्ते को, और जो शासक और शासित है, इन दोनों के बीच के रिश्ते को मार्क्स ने उत्पादन का रिश्ता कहा है। उत्पादन के लिए दोनों हैं। अब शासक वर्ग, शासक वह उत्पादन
या जीविका के साधनों पर अधिकार किए रहता है। कौन? शासक वर्ग। उत्पादन पर और उस जीविका पर, जीविका के साधनों पर इसका राइट होता है, अधिकार किए हुए रहता है। इससे सामाजिक अर्थव्यवस्था में विशिष्ट दर्जा शामिल है, अतः यह श्रम के फल को हथियाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये श्रम के फल को हथिया लेता है क्योंकि ये उस पर अपना अधिकार समझता है। दोनों वर्ग एक दूसरे पर निर्भर तो है, इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट लाइन, दोनों वर्ग शासित और शासक दोनों वर्ग एक दूसरे पर निर्भर है। बिना शासित के शासक से काम नहीं चलता और इन दोनों के बीच में काम नहीं चलता, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। साथ ही वे परस्पर विरोधी भी है, विरोध भी प्रकट करते हैं, ये हमारा शोषण कर रहा है और एक दूसरे से एक दूसरे पर डिपेंड भी है। वर्ग और सामाजिक बदलाव, अगला पॉइंट जो मार्क्स ने बताया है वो है वर्ग और सामाजिक बदलाव। मार्क्स के अनुसार समाज का विकास वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया के जरिए होता है। एक वर्ग का किसी अन्य वर्ग पर प्रभुत्व होने के कारण ही वर्ग द्वंद्व उत्पन्न होता है। क्यों होता है वर्ग द्वंद्व, वर्ग संघर्ष क्यों होता है? एक वर्ग का किसी अन्य वर्ग पर जब प्रभुत्व स्थापित हो जाता है तो वर्ग द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, इससे परिवर्तन आता है। और जब वर्ग का द्वंद्व वर्ग द्वंद्व होता है तो क्या होता है? परिवर्तन आता है। इससे वर्ग वर्ग संघर्ष का एक नया रूप ले लेता है। और जैसे अपन उदाहरण कर सकते हैं, सामंती युग में जमींदार और किसान थे, इन खूब आंदोलन चले हैं, किसानों के आंदोलन याद हो आपको, और मुख्य वर्ग थे उस समय। जबकि आधुनिक युग में क्या हो रहा है, पूंजीपति और मजदूर वर्ग, लेबर वर्ग के लोग हैं, ये आपस में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वर्ग चेतना के बिना, नोट कर लेना इंपॉर्टेंट लाइन, वर्ग की चेतना है, चाहे वो शासित हो चाहे शासक वर्ग हो, इसकी चेतना के बिना श्रमिक वर्ग एक सचेत वर्ग के रूप में काम नहीं कर सकता, है ना? आपको मजा आ रहा होगा, ये पूरा याद हो गया होगा, इसको अच्छे तरीके से रट लेना, याद कर लेना, समझ लेना। एक तो कार्ल मार्क्स का और एक वेबर का, दोनों का सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आठवां, सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं? इतनी देर सामाजिक स्तरीकरण स्तरीकरण की बात कर रहे थे, उसे आप क्या समझते हैं? ये समाज में व्यापक रूप से पाई जाने वाली व्यवस्था है, व्यापक व्यवस्था है जो समाज में पाई जाती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्तर, सामाजिक स्तर। सामाजिक स्तरीकरण से मतलब है समाज से, समाज में स्तर बालक का या व्यक्ति का। तो ये उत्तराधिकार से इसका घनिष्ठ संबंध है, उत्तराधिकार का मतलब अपने पैतृकता से मिलता है, अर्थात बच्चे अपनी सामाजिक स्थिति अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं। ये सामाजिक स्तरीकरण से इसका लॉजिक है, और भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। नवा क्वेश्चन, बचपन को प्रभावित करने वाले कारक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बचपन को प्रभावित करने वाले कारक। बचपन कैसे प्रभावित होता है, बालक के जो बचपना होता है वो कैसे प्रभावित होता है? नंबर एक, यदि माता पिता की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, सामाजिक स्थिति सही नहीं है, तो बच्चे का बचपन प्रभावित होगा, है ना? यानी कि माता पिता की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति। दूसरा, माता पिता का शिक्षित होना और अशिक्षित होना भी बचपन को प्रभावित करता है। तीसरा कारण, सोतीली माँ होगी तो बचपन उसका सही नहीं जाएगा, क्योंकि सोतीली माँ उसका उस बच्चे के प्रति उसका जो संबंध है वो सोतीला रखेगी। और एकल परिवार, ये भी एक मेन, परिवार में बच्चों की संख्या, यदि बच्चों की संख्या ज्यादा होगी तो बचपना प्रभावित होगा। आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेना, इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना नहीं भूलें। और मित्रों, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और इसमें से क्वेश्चन आएंगे क्योंकि अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संकलन मैंने किया है, और अधिक से अधिक आपको देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।